गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका मैथ क्लास में। और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं और नंबर सिस्टम मैंने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर एक टॉपिक आपका डिस्कस किया जा चुका है यूनिट डिजिट के ऊपर। एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकता है, राइट। तो आज जो नया टॉपिक हम करवा रहे हैं वो है सीरीज। सीरीज के भी क्वेश्चन एक या दो पेपर में आ जाते हैं। किस पेपर में आते हैं प्यारे बच्चों? एसएससी में आ जाते हैं, रेलवे में, एनटीपीसी में, सब इंस्पेक्टर वाले में, दिल्ली पुलिस वाले में, बैंकिंग में, हर पेपर में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, राइट। दूसरी बात प्यारे बच्चों, जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं और जिनकी एज 18 ईयर है उनके लिए फॉर्म निकले हुए हैं हरियाणा पुलिस के अंदर, हरियाणा पुलिस कमांडो, राइट। और बहुत ही, मतलब ये कह सकते हैं बहुत ही गोल्डन चांस उन बच्चों के लिए जिनकी एज 18 to 21 के बीच में है। और इस तरह से तैयारी करें और फिजिकल की तैयारी करें, 100% आपका सिलेक्शन होगा, राइट। चलिए हम सीरीज के ऊपर बात करते हैं। सीरीज के क्वेश्चंस कैसे पेपर में पूछे जाते हैं, बेस को मजबूत कराया जाएगा। पहले बेस को मजबूत करना मेन टारगेट आज की क्लास का, जितने भी क्लासेस होंगी, कि आपका मैथ का जो बेस है वो एटलीस्ट मजबूत हो। उसके बाद उन क्वेश्चंस की ट्रिक बताई जाएगी जिससे वो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 + 1/11 × 13 + 1/13 × 15। ऑप्शन है आपके पास 1/15, बी ऑप्शन 2/15, सी ऑप्शन 7/15 एंड डी ऑप्शन इज 15/2। यस प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये सीरीज है 1/3, ये 3 × 5 है, पॉइंट नहीं है बेटा। ये कभी सोचे पॉइंट है, ये इनटू का साइन, यानी मल्टीप्लाई का साइन है। 3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 + 1/9 × 11 + 1/11 × 13 + 1/13 × 15। इस टाइप की यदि आपके पास सीरीज आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है वो समझना है प्यारे बच्चों, राइट। चलिए एक एक चीज को आप समझ के चलेंगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इन टाइप के क्वेश्चन में, कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को करना होता है। तो पहले तो मैं ट्रिक की ही बात आपके लिए कर देता हूं। तो ट्रिक के लिए क्या है कि 1/डिफरेंस, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 1/डिफरेंस ब्रैकेट 1/फर्स्ट टर्म, एफ का मतलब फर्स्ट टर्म, माइनस 1/लास्ट टर्म। बस क्वेश्चन सोल्व प्यारे बच्चों, एक रिजल्ट याद करना है। क्या बताया मैंने, 1/डिफरेंस ब्रैकेट स्टार्ट 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। ओके, अब 1/डिफरेंस प्यारे बच्चों देख लो भाई, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए, सब में कितना डिफरेंस है 2। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ जाएंगे आपसे और ये ट्रिक भी तभी पॉसिबल होगी जब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो मैंने क्या लिखा, यहां 2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कितना बेटे 3, माइनस 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितने बेटे 15। नेक्स्ट लाइन 1/2, कितना एलसीएम लीजिए प्यारे बच्चों 15, 3 × 5 = 15 एंड -1। नेक्स्ट लाइन 1/2 ×
4/15, 2 2 4, तो आपका 2/15 आ गया, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ऑप्शन बी इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ऐसी कोई सीरीज मिल जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला 1/d डिफरेंस ब्रैकेट 1/1 टर्म माइनस 1/1 टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी, ये वाला, ये आपकी फर्स्ट और ये आपकी लास्ट, बस फर्स्ट और लास्ट ये आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। और बताता हूं प्यारे बच्चों दूसरी ट्रिक, ये तो ट्रिक नंबर 1 नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रिक नंबर 1 आप स्ट्रिक्स ट्रिक नंबर 1 स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, राइट ओके। अब मैं ट्रिक नंबर 2 की बात करता हूं, एक और ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक 2 क्या कहती है बेटे, आपका मेन काम क्या है, टाइम को बचाना, ठीक है, कितने कम टाइम में मेरा पेपर हो सकता है। ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, काउंट कर लो कितने 1 2 3 4 5 6 6 नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बोला, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 6 लिख दिया भाई। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना बेटे, फर्स्ट नंबर कितना बेटे 3, चेक कर लो भाई फर्स्ट नंबर कितना है 3 मल्टीप्लाई लास्ट नंबर, लास्ट नंबर कितना है 15। प्यारे बच्चों समझ आया नहीं आया दोबारा फिर से समझो, क्या बताया मैंने प्यारे बच्चों, यह बता रहा हूं ट्रिक नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लास्ट नंबर, पहला नंबर, पहला जो नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर, उन दोनों की मल्टीप्लाई। तो पहले बच्चों मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 6 6 था, अपॉन में फर्स्ट नंबर पे क्या बेटे 3 एंड लास्ट नंबर पे कितना है 15 रख दिया, कैंसिल कर दो बेटे 3 1 3 एंड 3 2 6 तो आपका आंसर क्या आ गया बेटे 2/15। यस फ्रेंड्स इज इट क्लियर और नॉट, सबको समझ आ गया अच्छी तरह से, बोलिए बेटे आपको समझ में आ गया नहीं आया तो वीडियो को दोबारा फिर वॉच करें। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, कुछ भी नहीं लगाया, पहली ट्रिक में तो आपको बताया क्या, पहली ट्रिक में क्या फॉर्मूला बताया, पहली ट्रिक में फॉर्मूला बताया बेटे क्या, 1/1 डिफरेंस ब्रैकेट 1/1 टर्म माइनस 1/1 टर्म, ये पहली ट्रिक का फॉर्मूला, ये दूसरी ट्रिक का फॉर्मूला, पहली ट्रिक में ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इस फॉर्मूले से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इस फॉर्मूले से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ट्राई करके देखेंगे इसकी 2 times 3 times ट्राई करो तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, सिमिलरली वी कैन प्रोसीड विद सेकंड क्वेश्चन, 1/2 x 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस 1/11 × 14 प्लस 1/14 × 17 प्लस 1/17 × 20 प्लस 1/20 × 23। ऑप्शन है आपके पास प्यारे बच्चों 5/43, बी ऑप्शन इज 7/46 एंड सी ऑप्शन इज 8/41 एंड डी ऑप्शन इज 1। तो प्यारे बच्चों अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने ट्रिक सिखाई और ट्रिक से क्वेश्चन करना आपको, राइट। क्या ट्रिक सिखाई थी बेटे, 1/1 डिफरेंस ब्रैकेट 1/1 टर्म माइनस 1/1 लास्ट, यही तो ट्रिक बताई है, यही ट्रिक बताई है बेटे। तो 1/1 डिफरेंस कितने का डिफरेंस है चेक कर लो ना बेटे, 3 का डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म कितनी है बेटे 2 एंड लास्ट नंबर पे क्या टर्म है 23। ओके बेटा क्लियर है। नेक्स्ट 1/3 टेकिंग एलसीएम 46 देयर इज 23 माइनस 2, नेक्स्ट लाइन 1/3 मल्टीप्लाई 21/46 37 जा 21 एंड 7/46 योर आंसर विल बी बी, ये आपका आंसर होगा, राइट। टाइम सेविंग हुई या नहीं हुई,
बोलिए, एक बार करोगे, सेकंड टाइम करोगे, थर्ड टाइम करोगे, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बहुत कम टाइम लगेगा। यदि सेकंड ट्रिक से आप करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7 अपॉन क्या बताया था, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी थी प्यारे बच्चों, 2, ये रही राइट, मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी है, 23, 23 लिख दिया, तो 7 अपॉन कितना आ गया, 46। योर आंसर विल बी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर है बेटे, सब क्वेश्चन समझ आ गया अच्छी तरह से, वेरी गुड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन लेके आया बेटे मैं आपके लिए, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे तरह से समझ रहे हैं। 5 अपॉन 2 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर 2 प्लस 7 अपॉन 3 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई 4 रेस टू पावर 2 प्लस 9 अपॉन 4 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेस टू पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 19 अपॉन 9 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेस टू पावर 2। ऑप्शन इज 97 बाय 100 एंड 99 अपॉन 100 एंड 47 बाय 98 एंड डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, राइट। चलिए भाई अब समझना है स्टूडेंट्स कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट। काम वही, आप वैसे भी आप इस क्वेश्चंस को ट्रिक वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया, क्या फॉर्मूला बताया था, 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, बिल्कुल सिंपल भाई, ओके। पहले बच्चों 1 अपॉन डिफरेंस बाय 1 और 2, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, लास्ट टर्म 10 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 10, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 जब मैं एलसीएम लूंगा तो 100 माइनस 1 अपॉन 100 तो कितना प्यारे कितना बनाया प्यारे बच्चों 99 अपॉन 100, तो इट मींस बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। राइट प्यारे बच्चों, क्लियर। दोबारा देख रहे हैं, 1 अपॉन डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 2 में से 1 का 1, 3 में से 2 का 1, 1 1 का डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 का स्क्वायर, लास्ट टर्म कितनी है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, टेकिंग एलसीएम और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, राइट। देखिए बेटा कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए, कंसेप्ट समझना है आपको, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 3 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 यानी 3/4, इसका मतलब ये क्या है 3/4, 3 अपॉन 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर का मतलब 3/4, राइट, ओके स्टूडेंट्स। 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 ये रिजल्ट होता है 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, क्या होगा बेटे सॉल्व करेंगे तो आप, यानी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो 4 एलसीएम ले लिया, 4 में से 4 में था 4, 4 में से बन गया कितना आ गया 3/4, तो 3/4 को यानी इसको 3/4 लिख सकते हैं और इसको भी 3/4 लिख सकते हैं बेटे, इसको भी 3/4 लिख सकते हैं और इसको भी, तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, देखो इस वाले स्टेप की जगह, इस वाले स्टेप की जगह क्या लिख देता हूं यहां पर, 1 अपॉन 1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वेयर, ये वाला क्वेश्चन इसके लिए चेक कर लो भाई, 3 अपॉन 1 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 2 स्क्वेयर यानी 3/4 आ गया, 3/4 को इसको इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, यानी 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर इज 4, 4 एलसीएम ले लिया और 3/4 आ गया। सिमिलरली इस वाले कंसेप्ट को क्या लिखोगे आप प्यारे बच्चों, प्लस 1/2
टू स्केयर माइनस वन बाई थ्री स्केयर लिखेंगे, देख लो ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे, वन अपॉन थ्री स्केयर माइनस वन बाई फोर स्केयर, इसको क्या लिखेंगे, वन बाई फोर स्केयर माइनस वन बाई फाइव स्केयर अप टू, इसको क्या लिखेंगे, वन बाई नाइन स्केयर माइनस वन बाई टेन स्केयर, ये ब्रैकेट्स को हटा दिया मैंने, राइट मेरे बच्चों। अब आप क्या देख रहे हैं कि माइनस वन बाई टू स्केयर से प्लस का वन बाई टू स्केयर कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, यानी क्या बचा, एक तो फर्स्ट वाली टर्म बचेगी और एक लास्ट वाली टर्म बचेगी। एक कौन सी टर्म बचेगी बेटे, फर्स्ट टर्म, और एक कौन सी बचेगी, लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है, वन स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है, वन अपॉन वन स्क्वायर, वन अपॉन वन स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या है, वन अपॉन टेन स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर तो वन होता है, टेन का स्क्वायर क्या होता है, हंड्रेड, तो हंड्रेड सिमिलरली हंड्रेड माइनस वन कितना बच गया बेटे, नाइनटी नाइन अपॉन 100, आपका बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, राइट। समझ आ गया अच्छी तरह से, बोलिए बेटे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है, एक भी हो सकता है और दो भी पूछे जा सकते हैं, राइट। ट्रिक आपको मैंने बता दी, क्या ट्रिक बताई, वन अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट वन अपॉन फर्स्ट माइनस वन अपॉन लास्ट। चलिए पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम, और मुझे बताने की कोशिश करें कि कौन बच्चा इस क्वेश्चन को जल्द बिना पेन उठाए आप बता सकते हैं। सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटे, 5 अपॉन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 9 अपॉन 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर अप टू 39 अपॉन 19 स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर। ऑप्शन है, ऑप्शन लिख रहा हूं इसकी, 99 अपॉन 400, 98 अपॉन 441, 92 अपॉन 361, एंड डी इज नन ऑफ दीज, डी इज नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है। तो अभी तो बताया है, पता लग गया डिफरेंस सेम है, लगाओ भी फॉर्मूला, वन अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट वन अपॉन फर्स्ट माइनस वन अपॉन लास्ट। वेरी गुड भाई, बहुत सारे बच्चों ने बता के दिया, अरे वाह वेरी गुड भाई, तुम्हारा रिस्पॉन्स मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारी खुशी दिखाई दे रही है कि आपने फटाफट आंसर निकाल दिया। यदि आपने सेकंड क्वेश्चन अच्छी तरह से अभी जो पिछला क्वेश्चन को आपने डेस्क से पढ़ा उससे पहले वाले भी कर लिए तो फटाफट बता दिया अपना आंसर। तो भाई वन अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितना भाई, थ्री में से टू गया, वन ही है, वन का डिफरेंस है, अपॉन फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितने है बेटे, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या होता है पहले बच्चों, फोर, माइनस वन अपॉन लास्ट टर्म कितने बेटे, ट्वेंटी, ट्वेंटी का स्क्वायर क्या होता है 400, तो नेक्स्ट टर्म में कितना एलसीएम आ जाएगा बेटे, 400 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 400 माइनस 4, तो ये हो जाएगा व्हाट, 400 माइनस 4 हो जाएगा 396 अपॉन 400। तो ऑप्शन नहीं है, मैं एक बार चेक करता हूँ क्या मैंने ऑप्शन गलत तो नहीं लिख दिया, ऑप्शन गलत ही लिख दिया है, 1 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 600, हाँ ठीक है, ये 100 आएगा यहाँ पर, 4 को 400 से कट करो, 100 माइनस से 100 माइनस 1 देयर इज 99 अपॉन 400, आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आया बेटे, 1 अपॉन डिफरेंस इज 1, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म इज स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3 इज 4, माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर इज 400, तो 400 एलसीएम ले लिया, 400 यहां पर 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 इज 99 अपॉन 400, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चों। समझ आ गया इसी तरह से, गुड, समझते रहें, अपना बेस मजबूत करना है आपको यहां पर, और मैं रेगुलर क्लास आपको दूंगा, जहां जहां तक मेरे से कोशिश रहेगी मैं कंपटीशन एग्जाम का मैथ्स का कंसेप्ट पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगा, आपसे मुझे बनाए रहें। और यदि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। और यदि इस वीडियो में बनाने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई है और कोई कमी महसूस लग रही है कि आपको सर और भी कुछ चेंज करना है तो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपके जो कमेंट्स होंगे वो मेरे लिए काम करेंगे, ताकि मैं उनके ऊपर जितना पॉसिबल उतना कर सकूं, जितना मेरे हाथ में होगा उतना तो मैं करूंगा ही, कोशिश करूंगा पूरी पूरी कि आपके सभी पॉइंट्स कंसिडर किए जाएं। आपको समझना है आपका कंसेप्ट, में उद्देश्य यही है कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो आपके मजबूत किए जाएं, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। 1 - 1/2² 1 - 1/3² 1 - 1/4² up to 1 upon 1 - 85² राइट। तो बेटे बिना सोल्व किए इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप, कौन सा? वेरी गुड जी, बी ऑप्शन 85। लास्ट में 85 देखो किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल हो गया ना एक सेकेंड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक ट्रिक है ये हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होती, फिर भी आपको ट्रिक से करना चाहिए, राइट। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए, राइट। क्लियर करे बच्चों, बनाना भी बनने क्वेश्चन तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं हम। इसको देखिए, यदि यहां पर मैं एल सुन लू तो ये 2² - 1/2² बनाएगा, इसका एलसीएम लो तो 3² - 1/3² बनेगा। देख लो भाई, समझ में आया क्या किया बेटे मैंने? इसमें 2² एलसीएम लिया, 2² - 1/2² इसमें 3² ले लिया, इसमें क्या लूंगा 4² - 1/4² अप टू इसमें क्या लूंगा बेटे 85² - 1/85² यहां तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखो, 1 का स्क्वायर लगा सकता हूं, और ये तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सभी को पता होती है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होती है। तो यहां पर 2² - 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, एक बार प्लस बेटे 2 + 1 और एक बार क्या करेंगे माइनस। देखो भाई 2 में 1 ऐड करूंगा क्या आएगा 3, 2 में 1 माइनस करूंगा क्या आएगा 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर क्या आ गई 4, यानी 2 में 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 × 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 2 भी लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, राइट। ओके फिर मल्टीप्लाईजन 3² - a² a² - b² एक बार प्लस एक बार माइनस, 3 में 1 ऐड करूंगा 4, 4/3 मल्टीप्लाई 3 में 7 गया 2, 2/3 मल्टीप्लाई यहां पर क्या आएगा a² - b² 4 में 7 गया 3, 3/4 और 4 में 1 ऐड करूंगा 5, 5/4 अप टू एंड सो ऑन, ये वाला 85 में 1 ऐड करूंगा 86/85, 85 में से 1 ऐड सबट्रैक्ट करूंगा 84/85। यहां तक आपको समझ आ गया? यहां तक आपको समझ आया? नहीं आया दोबारा फिर समझो भाई, यह है a² - b² एक बार प्लस करना और एक बार माइनस, 2 में 1 ऐड करूंगा 3 हो जाएगा, 2 में 1 माइनस करूंगा 1 आएगा, 3 में 7 ऐड करूंगा 4, 3 में 1 माइनस करूंगा 2, 4 में 7 ऐड करूंगा 5, 4 में 7 माइनस करूंगा 3, राइट। अब प्यारे बच्चों देखो ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, ये 3/2 है तो ये 2/3 कैंसिल हो गया भाई, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4/3 से 3/4 कैंसिल हो गया ऐसे ही 4/4 से आगे कटते चले जाएंगे मेरे पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों 1/2, लास्ट टर्म कटती जाने लग रही है, ये वाला नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई 86/85 कट कर लो बेटी 43, तो आपका आंसर आएगा 43/85, यही आपका आंसर होगा, दिस विल बी योर आंसर बी पार्ट। क्लियर है, समझ आ गया अच्छी तरह से? वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से नोट करें और समझें, राइट। यस भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों?
क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 1/2 raised to power 2 minus 1 plus 1/4 raised to power 2 minus 1 plus 1/6 raised to power 2 minus 1 up to 1/50 raised to power 2 minus 1। ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन इज 25/51, बी ऑप्शन इज 26/49, सी ऑप्शन इज 25/43 एंड डी ऑप्शन इज 51/25। राइट, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अरे मुश्किल नहीं है बेटे, टफ नहीं है, तभी तो बोल रहा हूं ना, कंसेप्ट को समझे। कंसेप्ट क्या है ये देखो ना, वन स्क्वायर रिंग लिख सकते क्या आप? क्या वन स्क्वायर रिंग लिख सकते? बोलिए भाई, लिख सकते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये तो बताया है। तो माइनस करेंगे तो वन आएगा और प्लस करेंगे थ्री आएगा, भाई टू स्क्वायर माइनस वन, देखो लिख दे हूं, टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो टू में से वन गया वन और टू और वन थ्री, देखो यही लिखा मैंने। ये देखिए बेटा, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार माइनस और एक बार प्लस, एक बार मैंने इनको माइनस करना और एक बार क्या करना प्लस। राइट, समझ आ गया बेटे अच्छी तरह से। चलिए उसके बाद प्लस, इसको क्या लिखेंगे बेटे, 3 × 5, इसको क्या लिखेंगे, 6 में 7 गया 5 × 7 प्लस अप टू, इसको क्या लिखेंगे, 50 में से 1 माइनस करना है 49 × 51। राइट, क्लियर, वही क्वेश्चन हो गया ना। डिफरेंस क्या फर्क, क्या रिजल्ट बता रहा, 1/difference 1/1st term माइनस 1/last term। बोल गए इतनी जल्दी, याद रखो बेटे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन से तो करवाए थे, यही तो ट्रिक बता रहा हूं बार बार, सीरीज में एक ट्रिक बताई है, अलग से तो नहीं बताई कुछ, यही ट्रिक अप्लाई होगी इसके अंदर, तो बनाना तो पड़ेगा ना क्वेश्चन को आपको, इस ढंग से तो बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इतना ही चीज थोड़ी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप मैं इंप्रूवमेंट करता जा रहा हूं, पहले बिल्कुल स्लो जीरो लेवल के थे, अब थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा रहा हूं आपको, ठीक है। तो 1/difference है 2 का, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, लास्ट टर्म कितनी है 51, चेक कर लो, लास्ट टर्म 51, 1/2 टेकिंग एलसीएम 51, 51 - 1 तो 1/2 × 50/51 25 पे कैंसिल हो गया, यानी 25/51, तो चेक करो आपका ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर करें बच्चों, समझ आ गया अच्छी तरह से सभी को? यस, क्लियर। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है क्वेश्चंस में, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में पूछा जाता है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला भी, ये एसएससी में 2017 में एसएससी के एग्जाम में आया था। तो 1:1/2 प्लस 4:1/6 प्लस 7:1/12 प्लस 10:1/20 प्लस एंड अप टू, क्या लिखा हुआ है, अप टू 28 terms। क्वेश्चन देखो भाई, 1:1/2 प्लस 4:1/6 प्लस 7:1/12 प्लस 10:1/20 अप टू 28 terms, 20 terms तक आपको सम बताना है। तो इसके अंदर एपी सीरीज जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी वो भी काम आएगी। एपी सीरीज के अंदर सम का फॉर्मूला आपको याद किया था बेटे, क्या फॉर्मूला याद किया था सम का, n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into b, ये फॉर्मूला भी आपने याद किया था, कुछ कुछ ये फॉर्मूले आपके कहीं ना कहीं अप्लाई होंगे। तो पहले तो मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं, ये क्या लिखा हुआ है 1:1/2, इसका मतलब क्या होता है बेटे, 1+1/2, क्या होता है इसका मतलब, 1+1/2, 1:1/2 को ऐसे, जैसे 4:1/6 है, इसको क्या लिखेंगे, 4+1/6, सोल्व करके 2 × 2 = 3/2, इसको भी ऐड करेंगे 3/2 आएगा, 4×6 = 24, 24 + 1 = 25, यानी 25/6 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने क्यों लिखा आपके आगे, कि फ्रैक्शन की जो मिक्स फ्रैक्शन जो होती है उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसको कैसे,
वन प्लस फोर प्लस सेवन प्लस टेन, सेवन प्लस टेन अप टू ट्वेंटी टर्म्स, अप टू ट्वेंटी टर्म्स ये प्लस, फिर कौन सी वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स मल्टीप्ल प्लस वन बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई ट्वेंटी अप टू ट्वेंटी टर्म्स, ओके अप टू ट्वेंटी टर्म्स। इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान दें, वन प्लस फोर प्लस सेवन प्लस टेन अप टू ट्वेंटी टर्म्स, इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, व्हाट एन कितना है ट्वेंटी, ट्वेंटी बाई टू ब्रैकेट टू ए, ए कितना है वन, टू वन जै टू प्लस एन माइनस वन, एन कितना है ट्वेंटी, ट्वेंटी में से वन गया नाइनटी, एन डी डिफरेंस कितना है बेटे थ्री का डिफरेंस, तो नेक्स्ट टाइम टू टेन पे कैंसिल हो गया, टेन नाइनटी थ्री जा फिफ्टी सेवन एंड फिफ्टी कितना हो गया नाइन फाइव नाइन जीरो। बड़ी फास्ट कैलकुलेशन करनी है आपको इसके अंदर, ठीक है, यदि आपको टाइम बचाना है तो बड़ी फास्ट कैलकुलेशन होगी, फाइव मिनट, ओके। प्लस अब इस टाइप की सीरीज को सोल्व करना, तो पहले बच्चों अभी भी मैंने सिखाया टू को क्या लिख दिया वन मल्टीप्लाई टू, सिक्स को क्या लिख दिया टू मल्टीप्लाई थ्री, ट्वेल्व को क्या लिख दिया थ्री मल्टीप्लाई फोर, ट्वेंटी को क्या लिख दिया फोर मल्टीप्लाई फाइव अप टू, ऐसे ही ट्वेंटी जो टर्म होगी देखो वन टू थ्री फोर है ना, ऐसी ना भाई, तो लास्ट जो टर्म होगी वो ट्वेंटी मल्टीप्लाई ट्वेंटी वन होगी, क्लियर। तो बस बन गया आपका, क्या बताया था डिफरेंस ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो यहां पर ट्वेंटी वन एन से ले लिया ट्वेंटी वन माइनस वन व्हाट ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी वन प्लस फाइव नाइनटी, इनको आप ऐड कर देंगे वो आपका आंसर होगा। फ्रैक्शन में आंसर पूछा जा सकता है, ऑप्शन में ऐसे भी आंसर पूछा जा सकता है, तो आपको सीधा आंसर ये दे देंगे, इसको भी ब्रेक करके लिखा होगा आपको उस ब्रेक के अंदर भी आप आंसर दे सकते हैं, जैसा भी आपसे पूछा गया हो ऐसी आप सीरीज का आंसर दे सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, आई समझ अच्छी तरह से बात। चलिए ऐसा ही कोई क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वन अपॉन सेवन स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर, वन अपॉन थर्टीन स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर, वन अपॉन नाइनटीन स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर, वन अपॉन फोर्टी नाइन स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर, ऑप्शन है आपके पास वन बाई ट्वेंटी सिक्स, थ्री बाई फिफ्टी टू, वन बाई थर्टीन एंड डी इज थ्री बाई ट्वेंटी सिक्स, हाँ जी पहले बच्चों ये क्वेश्चन है, वन अपॉन सेवन स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर प्लस वन अपॉन थर्टीन स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर प्लस वन अपॉन नाइनटीन स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू वन अपॉन फोर्टी नाइन स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर, लगाओ भी ट्रिक फॉर्मूला लगाओ, पहले ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक बार माइनस और एक बार प्लस, सेवन में से थ्री गया फोर, सेवन और थ्री टेन, वेरी गुड, थर्टीन में से थ्री गया टेन और थर्टीन और थ्री सिक्सटीन, नाइनटीन में से थर्टीन गया थ्री गया सिक्स एंड नाइनटीन थ्री ट्वेंटी टू एंड सो ऑन, फोर्टी नाइन में से थ्री गया फोर्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी, तो प्यारे बच्चों देखो लास्ट में 52 आ रहा है तो 52 होगा कहीं ना कहीं, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन बनता है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, मैंने बताया था कि कई बार नहीं बनता ऑप्शन, तो ये सीरीज बन गई, सीरीज बन गई, फार्मूला बनाए वन अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है सिक्स का, वन अपॉन फर्स्ट टर्म कितनी है फोर, लास्ट टर्म कितनी है फिफ्टी टू, वन बाई सिक्स टेकिंग फिफ्टी टू एलसीएम, तो कितना बन गया भाई 13 माइनस 1, तो नेक्स्ट लाइन में 1 बाई 6 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 52, राइट 6 टू द 12 एंड 2 26 यानी 1 बाई 26 आपका आंसर आएगा, ए ऑप्शन इज योर आंसर, ए ऑप्शन योर आंसर 1 बाई 26 आपका आंसर आएगा। दोबारा फिर देख ले पूरे क्वेश्चन को,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई की मैंने, एक बार प्लस और एक बार माइनस। उसके बाद ये ट्रिक बन गई, मैंने बताया था आपको वन अपॉन डिफरेंस फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करवाया, वन अपॉन डिफरेंस अपॉन वन ब्रैकेट वन अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस वन अपॉन लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना और आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। राइट, क्लियर स्टूडेंट्स, कर लोगे? ओके, इस एक्सरसाइज से, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक असाइनमेंट आपके पास भेज दूंगा, आपको उस असाइनमेंट को प्रैक्टिस करनी है, उस असाइनमेंट की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर। राइट, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन इज देयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है एक और मैं लेके आया हूं आपके लिए, और रूट का क्वेश्चन है वो, और बहुत सारे बच्चे ना घबरा जाते हैं रूट वाले क्वेश्चन को देख करके, पता नहीं क्या होगा, छोड़ देते हैं एग्जाम में। मोस्टली मैंने कुछ देखा गया बच्चों के द्वारा अंडरूट वाला क्वेश्चन जरूर छोड़ते हैं। क्वेश्चन है वन अपॉन अंडरूट फोर प्लस रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट फोर प्लस वन अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट फाइव प्लस अप टू वन अपॉन हंड्रेड रूट प्लस 99, और ऑप्शन है प्यारे बच्चों 10 प्लस रूट थ्री, 10, 10 माइनस रूट थ्री, एंड डी ऑप्शन इज वन। क्लियर, ये स्टेटमेंट है वन अपॉन रूट फोर प्लस रूट थ्री, वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट फोर, वन अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, वन अपॉन हंड्रेड प्लस रूट 99, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। देखिए वन अपॉन रूट फोर प्लस रूट थ्री, मैंने इसको सोल्व करता है, रेशनलाइज करो इसका, क्या करें, रेशनलाइज कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, रूट फोर माइनस रूट थ्री, या प्लस का साइन है तो माइनस का लिखना है, अपॉन रूट फोर माइनस रूट थ्री, तो ऊपर तो रहेगा रूट फोर माइनस रूट थ्री, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, पीछे ले याद करवा था बेटा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला, एक बार आपने प्लस करना और एक बार क्या करना है माइनस, तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, यानी 4 का स्क्वायर 4, रूट 4 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, तो इसका मतलब है 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 4 माइनस रूट 3, रूट 4 माइनस रूट 3। राइट, क्लियर, इसी प्रकार से 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 4 को क्या लिखेंगे, रूट 5 माइनस रूट 4, नेक्स्ट को रूट 6 माइनस रूट 5, नेक्स्ट को रूट हंड्रेड माइनस रूट 99। क्लियर बेटे, समझ आ गया अच्छी तरह से, एक स्टेप को मैंने खोल के समझा दिया आपको, बाकी एज इट इज लिख देंगे, यानी वन अपॉन रूट फोर प्लस रूट थ्री को ऐसे दे सकते हैं, वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट फोर को रूट फाइव माइनस रूट फोर लिख सकते हैं, कहने का मतलब क्या है, वन अपॉन रूट ए प्लस रूट बी यदि आपके पास दे रखा हुआ तो ये ऐसे लिखा जाएगा इस कंडीशन में, कब, जब इनका डिफरेंस 1 हो, जब इनका डिफरेंस क्या हो 1, यानी ए बी माइनस ए जो, यानी 4 में से 3 का 1, 5 में से 4 का 1, 1 डिफरेंस आएगा तो आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स, 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है, 6 से ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी यहां पर लास्ट सेकंड बचा है तो वहां पर फर्स्ट बचेगा, यहां सेकंड बचता तो वहां पर फर्स्ट बचेगा, यहाँ फर्स्ट बचेगा तो वहां पर लास्ट बचेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो मेरे पास क्या बचा, रूट थ्री, और यहाँ पर क्या बचा, रूट हंड्रेड, तो रूट हंड्रेड तो बेटा स्क्वायर रूट 10 का होता है और ये रूट थ्री माइनस का, तो यही आपका आंसर होगा सी, सी ऑप्शन इज योर आंसर। राइट बेटा, इस टाइप के सीरीज की आप आज प्रैक्टिस करेंगे, इसकी पीडीएफ मैं बना के भेज दूंगा ग्रुप में, और आप यूट्यूब पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से व्हाट्सएप मैसेज द्वारा इसके क्वेश्चंस, जो जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसके कोई क्वेश्चंस जो क्वेरी होगी वो आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ। राइट, आपका ये होमवर्क रहेगा। राइट, जो मैं करा रहा हूँ साथ साथ जरूर कर लें, सभी ट्रिक्स को अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लें, ताकि जब आप रिविजन करें, जब आपका पेपर का एग्जाम का टाइम हो तो एक बार जल्दी जल्दी मोटा मोटा आप उसको रिवाइज कर सकें। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी सो मच।